यूपी में छिड़ा ऑपरेशन खुशबू। यहां आपको बताया जा रहा है कि आयकर कर की चोरी की जांच के तहत शुक्रवार को कन्नौज के बड़े इत्र कारोबारी एवं सपा एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पम्मी जैन और मियां मलिक के ठिकानों पर छापेमारी की गई। पम्मी जैन और मलिक मियां के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापों की तैयारी डीआईजी से पहले ही की जा रही थी। पीयूष जैन पर छापों के तत्काल बाद ये कार्रवाई की गई है। पम्मी जैन के सहित कई बड़े इत्र कारोबारियों पर आयकर छापे की तैयारी 2 महीने पहले से थी। बताने चले कि उनके कारोबार टर्नओवर आईटीआर की गहन छानबीन की जा रही है। साथ ही कन्नौज कानपुर से लेकर मुंबई तक फैले उनके बिजनेस का पूरा ब्यौरा जुटाया गया है। ये पाया गया है कि आईटीआर की तुलना में उनका व्यापार कहीं ज्यादा बड़ा है। बड़ी संख्या में इन कारोबारियों के रिश्तेदार भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर लिप्त थे। संदेह था कि इनमें कई डमी नाम है और असल में कारोबार के असली मालिक यही दोनों है। उन पर कार्रवाई की तैयारी लगभग पूरी थी, लेकिन डीजीआई अहमदाबाद के आ जाने से अभियान रोक दिया गया। पीयूष जैन के खुलासे के तत्काल बाद आयकर ने अपनी कार्रवाई कर दी, क्योंकि पीयूष मामले में पम्मी जैन का नाम जोड़ा गया था। मिले अरबों के कैश का कनेक्शन तलाशा जा रहा है। आयकर विभाग की 12 टीमों ने राजधानी में 3 स्थानों पर छापेमारी की। एक टीम सुबह 8 बजे प्राग नारायण रोड 45 नंबर मकान पर पहुंची। यह बंगला इत्र कारोबारी याकूब मलिक के भाई मलिक का बताया जा रहा है। यहां 2 टीमें शाम 4 बजे तक रही। सर्च की कार्रवाई करके निकली पर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को यह कहकर वहीं छोड़ दिया गया। अभी भी कार्रवाई जारी है। दूसरी तरफ हजरतगंज के जनपद मार्केट स्थित इत्र के एक कारोबारी के दफ्तर पर छापा मारा गया। दूसरी टीम अवध विहार योजना स्थित उनके घर पर पहुंची। यह कारोबारी कानपुर से जुड़े हैं। अवध विहार योजना स्थित मकान में किराएदार मिले, इसके बाद टीम वहां से भी लौटाई। देर शाम तक कहीं भी कोई भी बरामदगी होने की जानकारी नहीं है। माना जा रहा है कि कानपुर कन्नौज से मिले इनपुट पर यह छापेमारी की गई। वहीं कानपुर में छापेमारी का दायरा ज्यादा बढ़ने के बाद आयकर लखनऊ मुख्यालय से 25 टीमें कानपुर के लिए रवाना की गई है। माना जा रहा है कि वहां भी और स्थानों पर छापेमारी हो सकती है।